मैं आई कम इन सर प्लीज कम इन गुड इवनिंग प्लीज गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम प्लीज टेक योर सीट प्रज्ञा आई होप यू आर वैक्सीनेटेड यस सर यू कैन रिमूव योर मास्क थैंक यू सर प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर मेरा नाम प्रज्ञा सचान है मैं कानपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ मैंने अपनी ट्वेल्थ और टेंथ की परीक्षा वहीं से पूरी की मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक बाबू बनारसी दास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ से पूरी की उसके बाद सर मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ अच्छा तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद क्यों नहीं इंजीनियरिंग की फील्ड में काम किया सर मुझे इंजीनियरिंग की फील्ड में स्टार्टिंग में इंटरेस्ट था लेकिन जब मेरा लास्ट सेमेस्टर आने लगा तो मैंने अपने कुछ सीनियर्स को इसकी प्रिपरेशन करते हुए देखा और वो लोग सेलेक्ट हुए और हमेशा से एक साइड ऑफ माइंड में मेरे हमेशा थाट रहता था कि मुझे सिविल सर्विसेज की कभी कर सकती हूँ तो सर मुझे ऐसा लगा कि मैं इसकी प्रिपरेशन में अच्छा और आपने वैकल्पिक विषय में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को नहीं दिया नहीं लिया इसकी क्या वजह uh, सर uh, मुझे लगा कि मैं ऐसा सिलेबस लू जिसमें मुझे इंटरेस्ट आए जैसे मैंने पहले डिफेंस लिया मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था देन मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि इसकी ज्यादा हेल्प हो पाएगी मुझे मेंस और इंटरव्यू में और अपने आगे की सर्विस में मैं इसकी ज्यादा हेल्प ली अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जी क्या अंतर है सर बेसिकली अगर हम एल रिफॉर्म के पहले देखेंगे तो एक ह्यूज अंतर दिखेगा बट आफ्टर एल रिफॉर्म अंतर थोड़ा सा कम हो गया है लेकिन फिर भी सर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नमेंट के थ्रू ओन्ड होता है क्या गवर्नमेंट को बिजनेस में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए एस पर नाउ जैसे आज की रिक्वायरमेंट है तो गवर्नमेंट को दोनों रोल प्ले करने चाहिए बस अंतर इतना है कि सर वो कंट्रोलर की जगह फॉर एग्जाम्पल बी एस एन एल फॉर या एम टी एन एल चलते थे तो उसके सर अच्छी सी नहीं थी उतनी इकोनॉमी कॉस्ट उतनी ज्यादा आ जाती थी आपने आज... क्या कभी बी एस एन एल या एम टी एन एल का फोन यूज किया है नहीं सर मैंने यूज नहीं किया वैसे अच्छा। तो मुझे

वो सेवन रेज में डिवाइड हो जाती अच्छा, है भारत कहां आप, इस हिसाब से कहाँ रखेंगे आप सर भारत बिटवीन में है डेवलपिंग और डेवलप नेशन के बीच में वो एक प्रिज्म का जो बीच में सर रेज डिवाइडेड होती है बट वो सर। अच्छा ये बताएंगे आपकी रामसर साइट जी बिहार में अभी पहली रामसर साइट जो है वो डिक्लेयर की गई है जी, जी कौन सी है सर गोगी बिल बेगूसराय सर सॉरी कावरताल कावरताल अच्छा भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो कावर ताल को कैसे डिफाइन करेंगे आप किस तरह की झील है सर मैं समझ नहीं जोग्राफिकली आकार है उस आकार सर रामसर सर, राम कन्वेंशन हुआ था ईरान में 1971 में इसके अंतर्गत सर जो वर्ल्ड लेवल पे जो साइट आर्द्र भूमिया होती हैं उनको कंजर्व करने के लिए सर ये कन्वेंशन किया गया था तो इससे जो देश

मध्य एशिया और रूस को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए क्या महत्व है सर ईरान के साथ भारत का रिलेशन डेवलप करने के लिए भारत ने सबसे पहले सर यहाँ पर जैसे चाबाहर पोर्ट बनवाया जिससे वो अपनी कनेक्टिविटी मिडिल ईस्ट और रूस या ईस्टर्न यूरोप तक पहुँच सके तो सर ईरान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके थ्रू हम अफगानिस्तान में जैसे सर अभी हाल ही में डेलाराम और जरान को जोड़ने के लिए डेलाराम चाबाह रेलवे बनाना था सर उसको भी डेवलपमेंट को

इंडो अब्राहम पैक्ट तो सर मैं नहीं जानती मैं अब्राहम समझौता चलिए अब इसराइल था क्यों कहा जाता अब्राहमैक्टर चलिए एक तरफ इसराइल और यू के और आप देख रहे हैं कि भारत उसके साथ भी संबंध अपने मजबूत करना चाहता है और आपने अभी बताया कि ईरान वो संबंध बनाना हमारी मजबूरी है सेंट्रल एशिया और अगर हम बात करें रूस की तो उस दृष्टिकोण से जी कैसे बैलेंस करेंगे सर भारत ने जैसे इसराइल और ईरान रूस और यूएस से इस तरीके से सर डिहाइफिनेशन की नीति अपनाकर कई देशों क्या के साथ बैलेंस सर जैसे जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसराइल जाते हैं तो जॉर्डन भी जाते हैं दोनों के साथ है, है उ... क्या बताइए जो पॉलिसी है वो है क्या सर जब दो देश आपस में एक दूसरे के साथ अगेंस्ट रहते हैं उन दोनों देशों के साथ बैलेंस रिलेशन बैलेंस बनाकर रखने के लिए है। बहुत बढ़िया थैंक यू सर प्रज्ञा जी मैम आप कानपुर से हैं जी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम सात बजे के बाद महिलाओं को कार्यस्थल पे नहीं रुक मतलब नहीं रुकना है महिलाओं को और अगर ऐसा कोई एम्प्लॉयर करता है कि वो महिलाओं को रोकता है सात बजे के बाद तो उसे उनके लिए कुछ आ, स्पेशल प्रोविजंस अरेंज करने पड़ेंगे तो आपको क्या लगता है ये एक अच्छा कदम है या खराब कदम है मैम अगर प्रॉपर सिक्योरिटी और जे जहाँ पर वो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस जगह की उनकी सोशल सिक्योरिटी या उनकी उनके जो भी इश्यू है अगर उनको सही से रिजोल्व किया जा रहा है उनको प्रॉपर वैन की या कैब की सुविधा दी जा रही है मैम मुझे लगता है कि ऐसी जगह के लिए जहाँ पर आज की डेट में मैम हम जब बात करते हैं इक्वालिटी की मेल और फीमेल की तो उस जगह पे एकदम कॉन्क्रीट ये नहीं कह सकते कि नहीं ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है बट हाँ अगर वहाँ की रिक्वायरमेंट है क्योंकि कानपुर हमेशा से मैं वैसे रहा है कि नहीं मेरा आ, मतलब ये कि सरकार की तरफ से अच्छा निर्देश है कि खराब निर्देश है कि सरकार को ऐसा आ, रूल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए मैम एक्चुअली कानपुर की सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ी सी खराब है मैं कानपुर नहीं उत्तर प्रदेश के यूपी में, में भी मैम अभी इंप्रूव हो रहा है लेकिन अगर उन्होंने इस पॉलिसी को रखा है तो सोच समझ के रखा होगा आपको नहीं लगता है कि इस की इस पॉलिसी की वजह से कोई भी एम्प्लॉयर अब इस बात से थोड़ा वो ध्यान रखेगा कि महिलाओं को वो नौकरी ही ना दे कि झंझट ही खत्म हटाओ मतलब महिलाओं को क्यों देनी जब इतना सब कुछ सोचना पड़ेगा जी जी। उसके बदले अगर उसके पास एक कम स्किल्ड uh, भी अगर कोई मेल वर्कर अवेलेबल है तो वो उसको ले लेगा तो आपको नहीं लगता ये महिलाओं के अपॉर्चुनिटी में फिर से भेदभाव करेगा हाँ मैम भेदभाव करेगा बट वाई से वर्षा मुझे ये भी दिखता है कि उनकी सिक्योरिटी चैलेंजेस भी कम होंगे हो सकता है धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही हो उनकी सेफ्टी कंसर्न को ध्यान में रख के कुछ और अच्छे कदम उठाए जाएं तो इन चीजों को धीरे धीरे हो सकता है मैम रिमूव किया जाए चलिए ठीक है आपको पेंटिंग का और डांसिंग का शौक है कोई खास किस्म की पेंटिंग करती हैं आप नहीं मैम मैं, मैं नॉर्मली मेरा मतलब कोई एक एक्सपर्ट ही नहीं है किसी साइड और डांसिंग में भी कोई, कोई form, एक, कुछ जी. नहीं ये बताइए बिहार के तीन पेंटिंग्स जो आ, फेमस हैं क्या नाम है मैम मधुबनी जो एरिया है वहाँ पर मधुबनी पेंटिंग फेमस है पटना कलम पेंटिंग फेमस है जो पटना के आसपास आरा के आसपास की जाती है एंड थर्ड मैम फॉक पेंटिंग में मुझे याद नहीं आ रही अच्छा क्या विशेषता है दोनों पेंटिंग्स की मधुबनी और पटना कलम मैम जो मधुबनी पेंटिंग होती है वो बहुत ही उसमें कोई भी स्पेस छोड़ा नहीं जाता है छोटे छोटे स्पेस में ज्योमेट्रिकल फिगर्स बर्ड्स एंड एन एनिमल्स की पेंटिंग्स करते हैं बेसिकली फीमेल्स के थ्रू होती है पटना कलम पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा सोशल लाइफ से जुड़ी हुई है वहाँ के जैसे फिश सेलर की पेंटिंग्स हो गई या चूड़ी बेचने वाले की पेंटिंग हो गई तो इस तरीके से और बिहार के तीन फोक डांसेस बता दीजिए मेरे को अभी मैम याद नहीं आ रहा कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार में थर्टी एट और नया डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है लास्ट फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है बिहार का 12 मार्च 1922 ठीक है मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि स्टॉक होम प्लस फिफ्टी अभी मनाया गया स्टॉक होम प्लस फिफ्टी क्या है इसमें प्लस फिफ्टी क्या है और किस से रिलेटेड है ये चलिए ठीक है धन्यवाद प्रज्ञा प्रज्ञा आप मुझे ये बताइए कि हार्बर्ट साइमन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सर हार्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात बोली है उनके अकॉर्डिंग जो जो डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस होता है उसको उन्होंने करेक्ट किया है कि किसी भी डिसीजन को से पहले हमें उसके पुराने पीछे के देखने होंगे हिंदी में पढ़ा हुआ अच्छा, चलिए कोई बात नहीं और

थोड़े से काम छोर होते हैं तो ये आपकी धारणा है बिहार बिहार सर आपने स्पेशली और उत्तर प्रदेश की बात की तो इसको देखते हुए मैंने बोला ऑल ऑल ओवर ओवर इंडिया इंडिया के of... मतलब के पॉइंट ऑफ मतलब लोग ऐसे नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ऐसे हैं सर मैंने पहले डिस्क्लेमर डिस्कलेमरी दिया है कि सर आ, हम सभी को नहीं काउंट कर रहे हैं लेकिन मोरलेस चलिए थ्योरी जेड के बारे में भी जानकारी है आपको नहीं सर ठीक है आ, मुझे ये बताइए कि अभी आप ओ समुदाय से आती हैं और अभी कास्ट सेंसस को लेकर बिहार में काफ़ी ज़्यादा आ, मतलब माहौल गर्म है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ सहमत हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए तो मुझे ये बताइए कि कास्ट सेंसस अभी तक नहीं किए जाने के पीछे क्या कारण है क्यों नहीं किया गया सर कास्ट सेंसस लास्ट टाइम 1931 में हुआ था उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुई और सर मुझे लगता है कि जो क्योंकि मैं सर इसके पक्ष में नहीं हूँ कि कास्ट सेंसेज होना चाहिए क्योंकि सर अभी भी हमारी पॉलिटिक्स वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है कास्ट एंड रिलीजन के नाम पर वोट मांगे जाते हैं डेवलपमेंट वाइज पॉलिटिक्स ज़्यादा होगी अगर कास्ट सेंसिस नहीं होगी तो मुझे लगता है सर एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा कि अगर वैसे भी सर यहाँ पर जो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स तो ऐसा, ऐसा क्या बदलाव आ गया है राजनीति में कि अब सारी पार्टी इसको फेवर कर रही हैं क्या सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स ही है सर कहीं ना कहीं मुझे वोट बैंक पॉलिटिक्स अच्छी ठीक है प्रज्ञा आपका इंटरव्यू पूरा होता है आप जा सकते हैं थैंक यू सर थैंक यू मैम थैंक यू सर। मैं हाँ प्लीज कमेंट प्लीज टेक योर सीट थैंक यू सर। प्रज्ञा जी कैसा रहा आपका इंटरव्यू पहला आपने पहले भी इंटरव्यू दिया है हाँ सर यूपी अच्छा कैसा रहा वहाँ सर वहाँ इंटरव्यू में हमेशा अच्छा ही मार्क्स आया आउट ऑफ हंड्रेड एक बार पैंसठ आया एक बार सेवेंटी फोर आया बीपीएससी अच्छा, में पहला होगा ये बीपीएससी में फर्स्ट टाइम दिया राइट right. और कैसा लगा आपको अभी ये वाला पता नहीं सर आज मैं क्यों फंबल कर रही थी मैं भी थोड़ा सीखू दवा खाई है पता नहीं मतलब मैं इसको इशू नहीं दे रही लेकिन अच्छा मतलब देखिए हम लोगों को तो लगा कि आप बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं ओके okay, वो आपके पुराने जो इंटरव्यूज़ के मार्क्स आपने बताए हैं वो भी जस्टिफाई कर रहे हैं ठीक है तो कोई रीज़न नहीं है कि बीपीएससी में आपको नंबर कम मिले लेकिन अनलेस आप अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती कर दें और उनको मजबूर कर दें कि भाई मुझे थोड़े नंबर कम दीजिए और वो गलती आपने लास्ट में आके करीब करीब की है जब कास्ट सेंसस वाला आपसे प्रश्न पूछा गया जी तो उसमें थोड़ा सा आप मतलब व्यक्तिगत राय को आपने बहुत ज़्यादा महत्व दिया देखिए हर चीज़ पर बैलेंस व्यू रखना ज़रूरी है एज आपका तो सब्जेक्ट भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एडमिनिस्ट्रेटर की सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी है दैट इज टू कीप ए बैलेंस वो चीज़ों के हर पहलू को देखें अगर आपको डेटा ड्रिविन पॉलिसी बनानी है जी, जी। जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें मतलब डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो हम अगर अंधेरे में पॉलिसी बनाएंगे तो कैसे चलेगा तो अगर कोई कास्ट सेंसस होता है उससे डेटा निकल के आता है तो उससे हाँ हमारी जो कुछ पॉलिसीज हैं जो कास्ट बेस्ड पॉलिसीज हैं कि मतलब पर्टिकुलर जो वंचित वर्ग है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है तो वो उसका पॉजिटिव भी है जी जी हाँ इससे सोशल हार्मनी को लेकर भी कुछ आशंकाएं हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आशंकाएं भी हैं इस वजह से ये है तो दोनों पहलू बताते हुए अपनी राय रखिए और इसको सिर्फ ब्लैंकेटली आप वोट बैंक पॉलिटिक्स से जोड़ दें ये अच्छा नहीं है ठीक है थोड़ा ये आपको ध्यान रखना है बाकी सिर्फ हॉबीज़ के मामले में आपको थोड़ा और स्पेसिफिक होना है थोड़ा सा देख लेंगे आपने अगर डांसिंग एंड पेंटिंग दिया है तो कुछ आप जो पर्टिकुलरली पढ़ लीजिए उसके बारे में कि जो आप बता सकें कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ हम करते हैं ठीक है इसके अलावा जनरली आपका काफ़ी अच्छा है सिर्फ आते समय आपने मतलब ग्रीट करने में टाइम लिया आपने काफ़ी so, टाइम लिया तो मुझे ही बोलना पड़ा ठीक है वो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे राइट इसके अलावा कोई मेजर इशू नहीं है यू शुड बी डूइंग वेरी वेल ठीक है आपका अच्छा होना चाहिए ओके ऑल द बेस्ट थैंक यू सर थैंक यू मैम